हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फ्लोरॉन रिवॉल्यूशन चैनल में। जैसे कि आप देख रहे हो, ये मेरा फ्लोरॉन जो है वो सीक हो गया है। इसे इंटरनल पैरासाइट हो गया, इंटरनल बैक्टीरिया इन्फेक्शन, जिसकी वजह से ये 45 डिग्री एंगल में इसे ही खड़ा रह जाता है, कुछ खाता नहीं, इधर उधर भागता नहीं। जैसा एक्टिव रहता है वो एक्टिवनेस इसके अंदर दिखता नहीं। आप अगर देखोगे राइट साइड के कॉर्नर में पहले वाला वीडियो, तो ये एक्चुअली 2 दिन पहला ही है, बट उस वक्त थोड़ा तो ये एक्टिव था, बट उसके बाद से ये उसका पूरा एक्टिवनेस खत्म हो गया एंड एक जगह पे स्टेडी रह रहा है, ना कुछ झेल रहा है ना कुछ ये कर रहा है। तो इसके लिए अगर आपका भी फिश इस तरीके से कर रहा है तो इसे इंटरनल या एक्सटर्नल पैरासाइट हो गया है, एंड उसके लिए आपको इसे डीवॉर्म करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, आपको एक जो बच्चों को दवाई दी जाती है उसमें, या आप कोई भी पॉट यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर मेट्रोजिल 400 mg एक टैबलेट लेनी है। आपको अभी मैं दिखा देता हूँ, मेट्रोजिल 400। ओके, ये किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी आपको बड़ी ही आसानी से, और इसकी प्राइस भी बहुत कम रहती है। पूरा 10 का पैकेट जो है ये 14 रुपये में आपको मिल जाए, या मैक्स 13.44 इसकी प्राइस है, 14 या 15 रुपये में आपको मिल जाएगा, एंड बहुत ही सस्ता है और बहुत ही असरदार है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक 1.5 से 2 ml वाटर लेना है, 2 से 3 ml, एंड उसमें एक टैबलेट डालनी है, और उसके साथ जो हम फ्लोरॉन को खिलाते हैं गोलियाँ, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, दो ऐड करनी है, हम पेड या एक एनी जो कुछ भी है। उसके बाद आपको एक सिरिंज लगेगी, ये भी आपको 1 ml की सिरिंज मिल जाएगी। इसका जो नुकीलापन है सामने का वो कट कर देना है, एंड जस्ट पॉलिश पेपर से आपको उसको पहले एक साफ कर देना है, क्योंकि वो फिश के पेट के अंदर कुछ इन्फेक्शन या खराश या कुछ ऐसा ना हो, उसकी वजह से उसका ध्यान रखना है। जस्ट ये मैंने अभी टैबलेट जो है 1 मिनट पहले ही सोक करने के लिए रखी हुई थी, तो उसे थोड़ी देर के लिए वाटर में सोक होने देना है गिलने के लिए। और ये इस मिक्सचर को आपको पूरा घोल के लेना है, एकजुट करना है मिक्सचर को पूरा। एंड देख सकते हो ये अभी पूरा मिक्स हो चुका है मिक्सचर, इसे ही एकजुट करके लेना है इसे पूरा हमें। इसको फिश को आपको बाहर निकालना है बड़े ही जेंटली तरीके से। इसमें किसी भी तरह का, इस वीडियो में भी किसी की तरह का फिश को हार्म नहीं पहुंचा दिया गया है, उसके ही इज़ इन प्रोफेशनल हैंड्स, उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से निकाला हुआ है। थोड़ा अगर वो फर्स्ट स्टेज है तो थोड़ा झटपट आएगा फिर, तो उस वजह से आप घबराइए मत, जस्ट जेंटली उसको निकाल लीजिए बाहर। बहुत सारे आपने वीडियो देखे रहेंगे कि वेट जगह पे उसको रखना है या वेट टॉल के ऊपर उसको रखना है, इट्स डिपेंड ऑन यू। हम इसमें ज़्यादातर टाइम नहीं लेने वाले हैं, तो इससे इन्फेक्शन कुछ, यानी कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको वो जो मिक्सर है वो अभी अच्छे से घोल लेना है, वो 1 ml सिरिंज में भरने से पहले, एंड देन वो पूरा भर के लेना है 1 ml सिरिंज। ओके, एंड बड़े ही धीरे से उसके मुँह में वो सिरिंज देना है, और धीरे धीरे से देना है। आपको फील आ जाएगा कि ये अभी उसके पेट तक चला गया है करके, वो अपना मुंह हिला नहीं पाएगा उसके बाद से, जब वो जेंटली उसके अंदर चला गया, देन
स्लोली स्लोली आपको उसे इंजेक्ट करना है इस मिक्सचर को इसके अंदर एकदम स्लोली। देख सकते हो फिश थोड़ा झटपट आएगी, बट जस्ट उसको सहला दीजिए, वो आराम से आपको सपोर्ट करेगी। और उसके बाद थोड़ी एयर ले भर लीजिए एंड एयर डाल दीजिए ताकि वो मिक्सचर रिटर्न बाहर ना आ सके उसके पेट से। थोड़ा एयर डालने की वजह से वो रिटर्न नहीं, वोमिट नहीं करता है, बाहर नहीं निकलता है फिश वाटर में वापस छोड़ने के बाद, वो पूरा उसके अंदर ही रह जाता है। ओके, देन धीरे से आप फिश को पानी के अंदर छोड़ दीजिए। अगर उसमें बाहर कुछ निकाल भी दिया, वोमिट किया, अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो शायद वो आपको पता ना चले कि कहाँ तक सिरिंज अंदर डालनी है, तो उसकी वजह से वो शायद वोमिट भी करेगा। बट कोई उससे ये मत, ऐसा मत समझिए कि कुछ इफेक्ट नहीं हो, ये चलता है।